अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज द बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। चैप्टर नेम इज सेल साइकिल्स एंड टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स? देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर वन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, नंबर टू सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, नंबर थ्री एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, नंबर फोर इज टेलोसेंट्रिक। ओके, तो मेटासेंट्रिक, सब मेट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, मेटासेंट्रिक्स में क्या होता है कि इसकी जो डाउनवर्ड आर्म्स होते हैं और अपवर्ड आर्म्स, दोनों आर्म्स टॉप और बॉटम बराबर होते हैं, इनकी जो लेंथ है बराबर होती है। सब मेटासेंट्रिक में डाउनवर्ड आर्म्स जो थोड़े से लंबे होते हैं और ऊपर वाले आर्म्स थोड़े से छोटे होते हैं। उसके बाद थर्ड पे आता है एक्रोसेंट्रिक में, जो ऊपर के आर्म्स हैं वो इससे भी छोटे हो जाते हैं, देख रहे हैं आप। और जो फोर्थ टेरोसेंट्रिक में ऊपर के आर्म्स बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, नहीं होते। तो ये फोर टाइप्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एग्जाम्स में आ जाते हैं कितनी टाइप्स होती हैं, इनके नाम लिखें, सही है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके बुक के पेज नंबर 94 पे है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, थैंक यू।